तो में नाबालिग को देहिक शोषण के मामले में बगीचा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पूसरे राम सरगुजा जिले से नाबालिग बच्ची को अपने घर काम करने के लिए लेकर गया था, जिसके बाद वह बच्ची का देहिक शोषण करने लगा। पीड़ित के गर्भवती होने पर आरोपी ने बच्ची को वापस उसके गांव जाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने चाइल्ड लाइन की मदद थाने में उसकी मदद से शिकायत की और जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरगुजा जिले के ग्राम के बालिका जो है उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना हुआ है और वो गर्भवती हो गई है। इस सूचना के आधार पर हम लोग जो है वहाँ पर जाके उसे इंटरवेंशन किए और सीडब्ल्यूसी बॉडी उसकी सीडब्ल्यूसी के आधार पर फिर उनके बयान के आधार पर यहाँ पर एफआईआर चलाया गया। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक नाबालिग 12 वर्ष की बच्ची को घर में भाड़ा बर्तन और बैल गाय देख रेख करने के लिए अपने घर में रखा था और उसके साथ दुष्कर्म किया है और लगभग 7-8 माह। रामपुर में बारिश ने नगर पालिका